दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी आप सामान ऑर्डर करते हो और ऑर्डर करने के लिए जो पैसा होगा वो आप घर पे देना चाहते हो, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो, तो वो कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद जो भी सामान आप ऑर्डर करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, या फिर यहाँ से भी आप एक्सप्लोर करके सामान को ढूंढ सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के सामान यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। मुझे यहाँ पे वाटर बोतल खरीदना है, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो और जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आता है इस तरीके से आप प्रोडक्ट को पसंद कर सकते हो। हर प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिख जाता है, उसका फोटो दिख जाता है, उसकी रेटिंग दिख जाती है आउट ऑफ 5, उसका कितना प्राइस है वो दिख जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को ओपन करना है इस तरीके से, उस पर टैप करके, और यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोडक्ट दिख जाएगा, किस किस कलर में अवेलेबल है, इस बोतल में मैं कितना पानी स्टोर करके रख सकता हूँ, वो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। कितना कैपेसिटी का चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हर प्रोडक्ट के लिए उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आप टी शर्ट ऑर्डर करते हो तो टी शर्ट का कलर सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है, उसका साइज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। मोबाइल ऑर्डर करते हो तो मोबाइल का रैम रोम इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपको एक ही सामान बाय करना हुआ तो बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा सामान खरीदना हुआ तो सबसे पहले आप सामान को एक एक करके कार्ट में ऐड कर लोगे। इस तरीके से कार्ट में सामान ऐड हो जाता है और यहाँ पे आप आ जाते हो। अब मुझे और भी सामान खरीदना है, फिर से मैं होम में आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे लंच बॉक्स भी खरीदना है, उसको भी मैं सर्च कर सकता हूँ। इस तरीके से आप सामान का नाम सर्च कर सकते हो। मुझे ये लंच बॉक्स पसंद आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऊपर से ही फोटो दिख जाता है प्रोडक्ट का, उसका डिस्क्रिप्शन दिख जाता है, रेटिंग दिख जाता है आउट ऑफ 5। अगर 4 से ज़्यादा रेटिंग है तो मैं उसको अच्छा रेटिंग मानता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं इस प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल में देख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का कलर चूज करने के लिए मिल जाता है, किस कलर में मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का खरीदना चाहता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 में से कितना रेटिंग किया गया है इसका एवरेज, वो तो आपको दिख ही जाता है। इसके अलावा ये भी दिख जाता है कितने लोगों ने प्रोडक्ट को रेट किया है, और लोग जब सामान को खरीद लेते हैं तो उसके बारे में रिव्यू भी लिख करके डालते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो कि जिन लोगों ने सामान को खरीदा, खरीदने के बाद उन्होंने क्या कहा उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सामान के बारे में। इस तरीके से आपको कस्टमर फीडबैक भी मिल जाता है रिव्यू के फॉर्म में। अगर आप कस्टमर फीडबैक देखना चाहते हो, रिव्यूज देखना चाहते हो, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे इस पेज में लास्ट तक और यहाँ पे आपको रिव्यू दिख जाता है, रिव्यू एंड रेटिंग। यहाँ पे रेटिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन, फिनिश, साइज एंड एयर टाइट। और बाकी कस्टमर्स ने प्रोडक्ट का फोटो भी पोस्ट किया है प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद, और आप देख सकते हो किसने क्या क्या लिखा है रिव्यू में। रिव्यू एंड रेटिंग को आप देख सकते हो और सही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको भी कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ। 2 सामान मैंने कार्ट में ऐड कर लिया है। पहले मैंने ये वाटर बोतल ऐड किया था, अभी मैंने ये लंच बॉक्स ऐड किया है। अभी भी मैं चाहूँ तो इसका क्वांटिटी बढ़ा या फिर घटा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे एक लंच बॉक्स खरीदना हुआ तो मैं एक सेलेक्ट करके रखूंगा क्वांटिटी में। एक से ज़्यादा खरीदना हुआ तो मैं इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ क्वांटिटी। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो, जो भी आपने अपने अकाउंट में एड्रेस डाला हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाता है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से एड्रेस चेंज कर सकते हो चेंज पे क्लिक करके, और यहाँ से नया एड्रेस ऐड कर सकते हो ऐड ए न्यू एड्रेस पे टैप करके। जो भी नया एड्रेस आपको अपडेट करना हुआ, जिस पे आप सामान मंगाना चाहते हो जिस एड्रेस पे, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। आप अपना यहाँ पे फुल नेम इंटर कर दोगे, मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे, यानी कि उस पर्सन का फुल नेम और मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसको सामान मिलने वाला है, जो सामान रिसीव करेगा। पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है, जहाँ पे आप सामान मंगाना चाहते हो वहाँ का पिन कोड, स्टेट, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। डिटेल में यहाँ पे आप हाउस, बिल्डिंग नेम इंटर कर दोगे, रोड, एरिया, कॉलोनी यहाँ पे इंटर कर दोगे। जो एड्रेस आपने इंटर किया है वो हाउस है, होम है तो इसको सेलेक्ट करना है, या फिर कोई ऑफिस है तो इसको सेलेक्ट करना है। और सारा डिटेल इंटर करने के बाद एड्रेस को सेव कर लेना है। एक बार एड्रेस सेव हो जाता है तो आप एड्रेस को कभी भी एडिट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसी एड्रेस पे मंगाना चाहता हूँ सामान को, इसको सेलेक्ट करके डिलीवर हियर कर दूंगा। तो फाइनल एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाता है जिसपे कि डिलीवर होने वाला है। अब यहाँ पे आपको फाइनल प्राइस दिख जाएगा, जितना भी आपने सामान ऐड किया होगा
उन सारे सामान को खरीदने के लिए कितना आपको पे करना होगा वो आपको दिख जाएगा अमाउंट रुपीज में। यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आप तीसरे स्टेप में पहुंच जाते हो जो कि होता है फाइनल पेमेंट स्टेप। पेमेंट आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, फ्लिपकार्ट यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो जैसे कि डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैश ऑन डिलीवरी का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सामान रिसीव करने के बाद डिलीवरी बॉय को पैसा पे करना चाहते हो कैश में, या फिर उसी समय ऑनलाइन पे करना चाहते हो, तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा घर पे पैसा देने के लिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑर्डर इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑर्डर को कन्फर्म कर लेना है। इस तरीके से ऑर्डर प्लेस हो जाता है और यहाँ पे आपको डिलीवरी डेट भी दिख जाएगा, कब आपको डिलीवर किया जाएगा प्रोडक्ट, किस दिन डिलीवर किया जाएगा, किस एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना दिख जाता है, मोबाइल नंबर आप नया ऐड करना चाहो और चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, कभी भी ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट को आप डिलीवर होने से पहले ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, कब तक आपको मिलने वाला है। ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करोगे। यहाँ पे आप होम सेक्शन में रहते हो, आपको यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। अकाउंट में आने के बाद ऑर्डर्स दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स में आने के बाद आप देख सकते हो अभी मैंने ये बोतल और ये लंच बॉक्स ऑर्डर किया है। किसी भी मैं ऑर्डर को यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता हूँ उस पे क्लिक करके। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आज ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करने पे मुझे यहाँ पे चार स्टेप दिखाई देता है, यानी कि ऑर्डर स्टेटस दिखाई देता है। यहाँ से मैं ऑर्डर को एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट टीम से चैट भी कर सकता हूँ।